भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को जनपद संभल के चुनावी कस्बे को, जहां एंटी करप्शन की टीम ने दुर्गा धर्मेंद्र कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि चुनावी थाना के डंडुमारा गांव के एक मुकदमे में धारा 452 खत्म करने के लिए दुर्गा ने प्रतिवादी पक्ष से 5,000 रूपये मांगे थे। थाने में दोनों पक्षों का फैसला भी हो गया, जिसकी पीड़ित सत्यप्रकाश ने एंटी करप्शन मुरादाबाद में शिकायत की थी। रिश्वत लेते दुर्गा को गिरफ्तार कर केस दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्गा की चुनाव वहीं में तैनाती थी, जहां से उसका बनियाठेड़ तबादला हो चुका है। रिश्वत वसूलने को दुर्गा जुनवाई कस्बे पहुंचा और एंटी करप्शन टीम के हाथों चढ़ गया। एक पखवाड़े में गुन्नौर इलाके में रिश्वतखोरी पकड़ने की एंटी करप्शन की यह दूसरी कार्रवाई है। चुनावी में कोई सब इंस्पेक्टर पकड़े हैं आपने रिश्वत लेते हुए, क्या है पूरा मामला? ये चुनावी में सब इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये क्राइम नंबर 322 की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जुनावी में जब तैनात थे। 31/12 को मुकदमा कायम हुआ था, 31/12/2022 सत्यप्रकाश आदि के खिलाफ। और मुकदमा कायम होने से पहले उस दिन उस चौकी पर फैसला भी उनका हो गया था। तो वो सत्यप्रकाश जाकर जो है दरोगा जी से जब मिले तो दरोगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी 452 भी हटा दूंगा और सब काम कर दूंगा, मुझे 5,000 रुपये दो। ये 8 तारीख को मिला था। दरोगा जी का ट्रांसफ़र जो है बनियाठेर थाने में हो चुका है और 10 तारीख में उन्होंने वहाँ ज्वाइन भी कर लिया। तो कल हमारे पास ये शिकायतकर्ता आए थे सत्यप्रकाश, तो हमने लखनऊ से टीम का गठन करके और डीएम साहब से आज 2 स्वतंत्र साक्षी प्राप्त किए लोक सेवक, और चुनावी में जाके ये तो डॉक्टर के एस तोमर हैं, उनके क्लिनिक के सामने हैं। इन्होंने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ हमने गिरफ्तार किया है और गुन्नौर थाने पर लाकर हम उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और कल जो है जेल गए।